बहुत मूविंग एक्सपीरियंस है जब आप ऐसी जगह पे आते हो. यू आर रियली टच्ड कि एक शख्स जैसे जहाँ हाजी सफात साहब की शक्ल में इतना बड़ा कार्य है कर रहे हैं और इंसानियत की इतनी बड़ी खिदमत का बायस कर रहे हैं. अल्लाह ताला इनको भी जला दे, इनके हौसले बुलंद रखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तौफीक दे कि जो इस तरह के कामों में हिस्सा डालें. तो बच्चे जो मतलब हेमोफीलिया के हैं, थैलेसीमिया के हैं, और आपको पता है ये एक दो महीनों का साल का मर्ज नहीं है, सारी उम्र चलता है. उसके वाले के साथ गुर्बत भी अगर आप ऐड कर लें तो बहुत तकलीफ़ दे है पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए. तो उनको इतनी मुश्किल बुनियादों पर उनकी केयर करना, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर जो होता है, बाद का डेली होता है, बाद का महीने में दो तीन दफ़ा होता है, तो वो सारी उम्र के लिए ये प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात है. तो एज एन इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन बींग तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ माशाल्लाह इस काबिज से, और मेरी कोशिश होगी कि जितना भी मुमकिन है ज़ाती हैसियत में और उसके अलावा जो सरकारी हैसियत में जो भी इनको सपोर्ट चाहिए और जो भी इनके साथ तामिल हो सके वो किया जाए. सरकार अपने वसाइल में रहती है तो यकीनन हेल्थ केयर पूरा सिस्टम है सरकार का, जिसमें अभी आपको पता है उन्होंने हेल्थ कार्ड भी शुरू कर दिए हैं. उसका मकसद भी यही है कि लोगों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें मिलें.